हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों बता दें आपसे कि जब से यूपी ट्रिपल एससी पेट का ऑफिशियल आंसर की आया है, आप सभी को पूरे आंसर मिलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए दोस्तों, हम बता देते हैं कि शिफ्ट वन में जो बेटा 21 करके ए सीरीज है, उसके सारे प्रश्नों का हम उत्तर यहाँ पर बताएंगे और यही प्रश्न जो है आपके सब सीरीज में है और सब सीरीज में जाकर के आप उसका आंसर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आपके प्रश्नों की श्रृंखला को। चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक, तो इसमें जो आपका आंसर आ रहा है, इसमें जो आपका आंसर होगा, यहां ध्यान दीजिए, इसमें जो है ए होगा, सॉरी बेटा, इसमें क्या होगा, बी होगा। ठीक, इसमें जो है पहले का पी, बी का मतलब एक जो है 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुरंत हम आंसर देते हैं, इसमें ऑप्शन 2 होगा, चैतन्य। अगला लेते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ध्यान दीजिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बी इसमें सही होगा। 4 लेते हैं, चरक संहिता संबंधित है, सीधे देखिए उत्तर हम बताएंगे, चरक संहिता संबंधित है, ऑफिशियल आंसर की ने दिया है बी, चिकित्सा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पांचवा का देखिए, पांचवा का डी हो रहा है, कौन सा हो रहा है, डी, औरंगजेब की मृत्यु जो है ये इसका सही जोड़ा नहीं है, सीधे आपको बताया जा रहा। अगला प्रश्न क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आप दिया है 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो 6 का जो आंसर आपका होगा ए होगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट लीजिए, 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए हैं। तो आपको देखिए 7वां का सीधे मैं आंसर बताता हूँ, ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। चलिए दोस्तों, आपके यही प्रश्न हर सीरीज में होंगे, आप मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न का मिलान करें। ठीक है, निम्न का मिलान आपको करना था, तो इसमें जो आपको मिलान करना है 8वां का, आप देखिए सी, 8वां का जो है सी, ठीक है, आर्य समाज, तो आप इसमें देख सकते हैं 8वां का सी कौन सा हो रहा है, 8वां का सी हो रहा है। ठीक है, उत्तर मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार डी है, क्या है, डी है। ठीक है, 9 क्वेश्चन तक हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं, शिफ्ट 1 का हम बता रहे हैं, अगला देखते हैं 10 का, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसने किसे दिया गया, सीधे उत्तर हम बताएंगे। ठीक है, शिफ्ट 1 का, फर्स्ट का, सीरीज ए का उत्तर बताया जा रहा, और आप सभी शिफ्ट 1 के छात्र जो भी आपकी सीरीज होगी उसको आप जो है इसी यही प्रश्न मिलेंगे, उसका उत्तर इसी के अनुसार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए 10वां का हम उत्तर देखते हैं, इसमें जो सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 10वां का क्या होगा, सी, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। चलिए अगला लीजिए, देखिए अगला जो है, अगला जो आपका प्रश्न है, सलालपन विसली परियोजना किस नदी पर स्थित है। 11वां का उत्तर तुरंत देखिए, सी, चिनाव। ठीक है, अगला देखिए 12, बसंत विश्वत होता है, बसंत विश्वत होता है, 12वां का उत्तर लीजिए ए, क्या है, 21 मार्च को। 13वां लिखिए, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 के सीरीज ए का है। ठीक है, 13वां का उत्तर लीजिए आप, 13वां का जो है सी है, 13वां क्या है, सी, असी माने ताबा हो गया। ठीक, मिलाते चलिए, 12वां का हमने क्या बताया, ए, 31 मार्च को। चलिए 13 हो गया, अब 14 का उत्तर देखिए, काजी रंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑफिशियल आंसर किन के अनुसार, बी, असम में। चलिए अगला लीजिए, 15वां, निम्न में कौन सी हिमालवी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, सुमेलित करना था। ठीक है, 15 का देख लीजिए, इसमें बी है, क्या है, बी। ठीक, चलिए 15 हो गया, 16 देखिए, बैंक दर का अर्थ है, 16 देख लीजिए, 16 का डी आपका सही होगा। ठीक है, बैंक दर का अर्थ है 16 का डी, डी का मतलब क्या हो गया,
हो गया कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। चलिए 16 हो गया, आगे देख लीजिए 17। तुरंत यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर होगा? 17 का आंसर ऑफिशियल की के अनुसार 17 का सी होगा, बढ़ जाएगी। 18 देखिए, इनमें से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? 18 का तुरंत मिलाइए, ए पूंजीवादी। ठीक है, 19 लीजिए, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 19 का ए आरबीआई गवर्नर। ठीक है, ऑफिशियल की के अनुसार सारे बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, इसी से अपने पूरे सेट को मिला लीजिएगा। 20 फेमा का पूर्ण रूप क्या है? 20। ठीक है, इसका बी होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 21 का देखिए, 21 का भारत के संविधान में जनसंख्या और स्वच्छता किस में शामिल है? ऑफिशियल की के अनुसार 21 का ए राज्य सूची में। चलिए अगला देखिए, 22 भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? 22वां का देखिए, बहुत आसान प्रश्न था, सी राजनीति के निदेशक तत्व। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मिला लीजिएगा। ठीक है, अब 22 तक हो गया, आगे देखिए 23। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस संबंधित है? तो 23 का जो आपका उत्तर हो रहा है वो है ए, अनुच्छेद 21 के ए से। ठीक है, 23 का जो है ए है। 24 का देख लीजिए, मिला ये, तेजी के साथ हमें बताना है निम्न में से किसे संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? बहुत प्यारा प्रश्न है, 24 का ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? 25 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। चलिए 26 देखिए, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। 26 का आंसर लीजिए तुरंत, सी क्या होगा? सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। 26 का क्या हो गया? सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो 26 के आगे चलते हैं, 27 प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? सीधे उत्तर मैं दे रहा हूँ ऑफिशियल किन से, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, मतलब इसमें क्या होगा? 27 का सी। अगला लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है? 28 का आंसर लीजिए, बी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOC2। अगला 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत? 29 का उत्तर तुरंत लीजिए, 29 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 75%। तो आपका 29 का बी हो गया, 28 का भी हमने क्या बताया? बी बताया। अब चलिए 30, संतरे में बहुत आयत में होता है, क्या होता है भाई संतरे में? 30 का उत्तर आपको देना है, 30 का उत्तर क्या होगा? ए विटामिन सी। 31 का आपने लगाया होगा सवाल, 31 का आंसर ले लीजिए क्या है? 324 क्या है? 324। चलिए 32 का आंसर आप लगाए होंगे, ठीक है, अब 32 का उत्तर तुरंत आप ले लीजिए, 32 का आपका होगा 1000, मतलब डी, क्या हो गया? 32 का डी। 33 देख लीजिए, 33 का क्या होगा? 33 का आपका होगा बी, 4 जो करड़ी में जो है 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, 34, टीवी के सेट का मूल्य 30% घटाने 20% बढ़ गए, दुकानदार की आय पर प्रभाव? बड़ा प्यारा प्रश्न है, 34 का उत्तर देखिए डी होगा, 60% घटी। 34 बाद 35 देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है? देखिए 35 का जो आपका उत्तर होगा डी, 37 वर्ष हो जाएगा, 35 हो गया। 36 देखिए, ऑफिशियल की आंसर बताया जा रहा है, एकल का विलोम शब्द क्या है? बहुत प्यारा सा प्रश्न था, 36 का देख लीजिए, बहुल हो जाएगा। 37 का देखिए, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? बहुत प्यारा सा है। 37 का देख लीजिए, ऑफिशियल की आंसर बी अहंकार है। ठीक है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, देखिए बी होगा मनोहर, ऑफिशियल की के अनुसार सब बताया जा रहे हैं। 38 का बी, 39 का गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, बी है थोड़े में बहुत करना। 40 का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 40 का क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। ठीक है, 40 हो गया। अब देखिए आगे आपको मिलाना है, आगे मिलाना है 41। अब मेनी साइड्स पर्सनालिटी मीन्स, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर किससे बताया जा रहा है?
41 का आपका जो आंसर है सी होगा, अ पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट। 42 पीटी नेहरू इंजॉयड, पीटी नेहरू ने क्या इंजॉयड किया, 42 का डी हो जाएगा, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। चलिए 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। 43 का दोस्तों सी होगा आपका, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तेजी के साथ बता रहे हैं जो कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, ठीक है, फेमस का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताता है। तो 44 का आपका जो आंसर होगा सी हो जाएगा, पॉपुलर, बहुत सिंपल सा था। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, ठीक है। 45 का आपको जो आंसर आ रहा है सी हो जाएगा, अपाक्यू। 46 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी संबंधी पक्षी, नृ विज्ञानी संबंधी आपको बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, पुनः बताते हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी संबंधी पक्षी है तो नृविज्ञानी संबंधी क्या होगा, तो 46 का देखिए जो आपका आंसर आ रहा है वो है सी, मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा सी, अब हो जाएगा मानव। चलिए 47 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, ये शिफ्ट 1 का हम बता रहे हैं और बुकलेट ए का, और शिफ्ट 1 के सभी दोस्तों जो है इससे मिला लेंगे, ठीक है, चाहे यही प्रश्न जो है सब बुकलेट में रहेगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, ठीक है। उस शब्द का चयन करना आपको ऑफिशियल की के अनुसार 47 तेल, ठीक है, दही मक्खन पनीर जो है मेल रखते हैं, तेल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 48 का, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्ट्स को जो भी ये कहा गया है लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए इसमें जो 48 का हम सीधे आपको आंसर बताएंगे, 48 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पी क्यू जे डी ओ वी बी एस जे एन ओ, मतलब ए होगा। चलिए 48 हो गया। 49 का देखिए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, 49, ठीक है। 49 का आपका ए हो जाएगा, बुआ। क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। चलिए 50 का देखिए, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है, सीधे हम आंसर बताएंगे सी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो महीने में सोमवार की संख्या है 50 का क्या हो गया, सी हो गया, 5 हो गया। चलिए 50 के आगे हम चलते हैं 51। चलिए तेजी के साथ हम बताएंगे, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों, तो 51 का आपका डी हो जाएगा, पटना। अगला देखिए, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, ठीक है, तो ए हो जाएगा, रिलायंस जियो। बहुत प्यारा सा प्रश्न था, बोल्ड बम्बू ओएस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी। देखिए ये 53 का है, ठीक है, किसका है, 53 का है, तो 53 का जो आपका होगा ए हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न लीजिए 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड 19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, बताइए, 54 का ए होगा, घाना। चलिए 54 हो गया, अगला यहाँ पर लीजिए 55 को लीजिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, ठीक है, तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, सिरिसा बांदला। अगला देखिए 56 का, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बी हो जाएगा, सुमित मलिक। 56 का क्या हो जाएगा, बी, सुमित मलिक। 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, तो 57 का जो है बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी में क्या है, हिमाचल प्रदेश। 58, 58 का देखिए, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIS, ठीक है, शुरू किया गया, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ऑफिशियल आंसर के अनुसार शिक्षा मंत्रालय। 58 के बाद देखिए 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आपका जो 59 का हो जाएगा ए हो जाएगा, विराट कोहली को।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सफेस भारत में किस न्यायालय के शुरू किया गया है? तो 60 का जो है सी है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखिए 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आपको बताना है कितने करते हैं, तो 61 का आपका जो ए हो जाएगा 5। 62 देखिए, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? 62 का आपका जो होगा बी होगा, सान जोस। चलिए 63 की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है 63 की तरफ चलते हैं। और ये जो है शिफ्ट वन का आपका जो है सीरीज है, ए है, उसका बताया जा रहा है। 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो 63 का आंसर जो है बी, मलयालम। 64 देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, देखिए 64 का जो आंसर दे रहा है डी दे रहा है, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सिंपल है, 65 का आप सभी ने सही किया होगा, ऑफिशियल की में भी है, 14 सितंबर है। और 66 इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 66 का आपका डी हो जाएगा, म्यांमार नहीं है, 66 हो गया। इसके बाद 67 की तरफ चलते हैं, थोड़ा तेजी से बताएंगे। 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो 67 का सी सही होगा, औरंगाबाद। सीधे हम उत्तर देंगे, ओडम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये बी ऑप्शन केरल का है, ठीक। 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बहुत प्यारा सा प्रश्न था, 69 का डी हो जाएगा, बुध। 70 का देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थे? तो 70 का बहुत आसान प्रश्न था, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। 70 के बाद चलते हैं 71 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश था, गद्यांश आपने जो है निम्नलिखित गद्यांश को आपने पढ़ा होगा, हम सीधे उत्तर का दे देते हैं, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो 71 का आंसर ए हो जाएगा, मानव जाति के विकास के लिए, ठीक है। चलिए बहुत आसान था ये। 71 के बाद आप देखिए 72, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो 72 का आपका बी हो जाएगा, अहिंसा और प्रेम, ठीक है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे, 73 का सी सही ऑप्शन आएगा, अहिंसा द्वारा, ठीक है। 74, किसी भी राष्ट्र के स्वनिर्माण युग के प्रमुख तत्व है, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा डी, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। नितान शब्द का उपयुक्त पर्याय है, ठीक है, नितान का आपको बताना है तो बी होता है, बिल्कुल, क्या होता है, बिल्कुल। तो 75 हो गया। चलिए फिर आगे एक आपको पैसेज मिल रहा है, ठीक है, एक पैसेज आपको और मिल रहा है 75 के बाद। 76 देखिए, 76 इस पैसेज को आप सभी ने पढ़ा होगा भली भांति, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। तो 76 का सीधे हम आंसर आपको देंगे बी, क्या है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर, ये ऑप्शन सही हो रहा है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज के अनुसार आपको आंसर मिलेगा 77 का सी, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। 78, विश्व के परिवार वन लगने का प्रमुख कारण है, ठीक है, 77 के विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण जो भी हो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो 78 का ध्यान दीजिए ए ऑप्शन होगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 79, हस्ता मलक शब्द से अभिप्रेरित है, हस्ता मलक शब्द जो है 79 का जो आपका होगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पष्ट और अनायाम, अनायास बोधगम्य, ठीक। चलिए, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, सीधे हम आंसर बताएंगे, ये जो है 80 का आपका डी होगा, ठीक है, तो स्वस्थ एवं संतुलन। तो ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा और ये आपके आंसर। चलिए अब जो है यहाँ पर कुछ ये ग्राफ दिए गए हैं, ग्राफ का सीधे हम आंसर बताएंगे, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो 81 का जो आपका आंसर होगा वो सीधे बताते हैं बी होगा, 3। चलिए 82 देखिए, निम्न में से किस छात्र को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? 82 का भी बी होगा, 1, 2, 3, 6। चलिए 82 के बाद हम चलते हैं 83 क्वेश्चन पर, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक प्रतिशत बढ़ता है? तो 83 का जो आंसर आपका हो रहा है वो है डी, क्या है, आंकड़े पर्याप्त है, 83 का डी है। 84 का देखिए, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर, 84 का भी डी है, 1.20। छात्र
चार को भूगोल में 60 अंक मिले, छात्र चार को भूगोल में 60 अंक मिले उसके इतिहास में अंक हैं। 85 का आपका सी ऑप्शन होगा 75, 85 हो गया। 86 देखिए, कच्चे ऊन के उत्पाद में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, ग्राफ दिया गया है, तो 86 का आपका सी आंसर होगा 2016 और 17, किसमें 2016 और 17। चलिए 86 के बाद 87 का आंसर देखिए, पहले चार वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम चार वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया। 87 का जो आपका आंसर होगा बी हो जाएगा 22.2। 88 देखिए, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, 88 का आपका बी होगा 62.5 MT। 88 के बाद अब 89 देखिए, 89 में ए आंसर होगा सीधे देखिए, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, तो ये जो 2018 और 2019 में। चलिए अब सीधे 90 पर चलते हैं, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 और 2020 के उत्पादन का था, कितना था भैया, तो 90 का डी होगा 3/4। 91 देखिए, ये भी यहाँ पर भी एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को अब अगली बात पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, आंसर सीधे हम देते हैं, किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो 91 का आपका ए हो जाएगा 2016 में। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो चलिए सीधे आंसर लेते हैं, 92 का आपका ए होगा 19.05। 93 देखिए, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो 93 का डी सही होगा, क्या सही होगा डी, 93 का डी सही हो जाएगा, ठीक है डी सी। चलिए आगे बात करते हैं, 94 निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, 94 का जो आपका आंसर है सी होगा, क्या होगा सी 2019। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत, तो आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। 95 तक हमने यहाँ पर समझ लिया, 96 की तरफ चलते हैं, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, तो 96 का आप जब देखेंगे ध्यान देंगे तो 96 का बी होता है ऑफिशियल आंसर के अनुसार सितंबर। 97 अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी, तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो बी सही हो रहा है 35.3, 97 का बी। 98 मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोध में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, तो आप 98 का ले सकते हैं डी, क्या हो सकता है डी 1.04। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो 99 का आपका जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। 98 का हमने क्या कहा, 98 का आपका डी है, 99 का सी होगा ट्रेड पूल, और 100 का देखिए, ट्रेड पूल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था, तो ये था 100 का ए होगा 5.57.82। डियर फ्रेंड, हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है वो किया है शिफ्ट वन के, और जो आपकी बुकलेट थी ए का हमने जिक्र किया है, अब मास्टर की में ये सारा दिया हुआ था, तो आप जो है इस प्रश्न को देखिए, उसका उत्तर लर्न कर लीजिए और अपने बुकलेट में जाकर के मिला लीजिए, नहीं तो मास्टर की से आप मिला नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल बुकलेट ए का ही यहाँ पर उत्तर दिया गया है, और वो किसका उत्तर दिया गया है, शिफ्ट वन के बुकलेट ए का मैंने यहाँ पर उत्तर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा लोगों में शेयर करेगा, और बहुत जल्द शिफ्ट टू का जो है ए बुकलेट का पूरा आंसर आपको दिया जाएगा, तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एंड तक आप सभी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।